हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका आविष्कारी अभी, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा हैरियर की डार्क एडिशन। टोटल चार डार्क एडिशन आते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको बता दूं। प्योर प्लस एस, उसके बाद एडवेंचर प्लस, फिर फेयरलेस, उसके बाद फेयरलेस प्लस। ये सारे जो है चार डार्क वेरियंट आते हैं, और ये है एडवेंचर प्लस वेरियंट है डार्क एडिशन में। अब इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 22.24 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है, और ऑन रोड आते आते 25.88 लाख इसकी हो जाती है छत्तीसगढ़ कोरबा में। अगर आप छत्तीसगढ़ कोरबा से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीलर का नंबर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप उस पर कॉल कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव स्लॉट बुक कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव अगर करना चाहो तो, या फिर किसी तरह की फर्दर इंक्वायरी आप कर सकते हो, जो अगर मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो वो भी आप जो है उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। अब बात करें इसके इंजन प्रोफाइल की, तो 2.0 लीटर का इसमें टर्बो चार्ज इंजन मिलता है भाई, जो कि सब आपको हैरियर, कोई भी आपको जो है हैरियर हो चाहे सफारी हो, सब में 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज ही आपको इंजन मिलता है। उसके अलावा आपको 4 सिलेंडर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट कर देता है 170 PS की, और 350 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। उसके बाद लेंथ की अगर बात करें तो 4.60 मीटर इसकी लेंथ है, विड्थ आपको 1.92 विड्थ मिल जाती है, उसके अलावा हाइट आपको 1.79 मीटर इसमें आपको हाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। व्हील बेस की अगर बात करें ना, तो व्हील बेस आपको 2.74 मीटर का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबी ये व्हीकल है भले 5 सीटर, लेकिन आपको ये काफ़ी लंबी व्हीकल है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात अगर करें तो इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और गाड़ी लंबी, मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबी व्हीकल है 5 सीटर होने के बाद भी, तो इसमें आपको बूट स्पेस काफ़ी बड़ा सा मिलता है, 450 लीटर का, 445 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस, मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। उसके अलावा इसमें सेफ्टी फीचर की बात करें तो भाई टाटा अपनी सेफ्टी फीचर के लिए ही जानी जाती है, काफ़ी जो है रगड़ बॉडी इसकी है और काफ़ी जो है सेफ आपको रखेगी। उसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी फीचर क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता, तो 6 एयरबैग, ABS विद EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, और भी 10 तरह के जो है पक्का जो है इसमें सेफ्टी फीचर इसमें दिए गए हैं, जो कि अब क्या ही मैं उतना बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लाइक 3 साल की इसमें जो है आपको कंपनी वारंटी प्रोवाइड कर देती है 1 लाख किलोमीटर तक के लिए, और अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहो तो 5 साल के लिए हो जाएगा, और किलोमीटर बढ़ के 1.50 लाख किलोमीटर हो जाएगा, 1.5 लाख किलोमीटर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो इसकी की वही आपको क्लासिक की मिलती है टाटा की, जो कि अभी इसे भी इम्प्रूव करने का टाइम आ चुका है, काफ़ी जल्द जो है उम्मीद करते हैं कि इसे भी इम्प्रूव कर दे। और इसके फॉलो मी हिट लैम्प को अगर दबाते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट जो है कनेक्टेड DRL यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेड लैम्प मिल जाता है। नीचे आपको डुअल बैरल जो है मिलता है इसका फॉग लैम्प, यहाँ पे आपको डुअल बैरल आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है टायर वेंट के लिए, इसको कर देते हैं ऑफ बिकॉज ये मेरे आँख में ही लग रही है। यहाँ पे आपको टायर वेंट के लिए स्पेस दिया गया है। फ्रंट में आपको जो है पार्किंग सेंसर 2 मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है जिससे आपको एक 3D व्यू जो है कंप्लीट बन के मिलेगा, यानी कि कंप्लीट व्हीकल में 4 आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको 3D व्यू आपको जो है प्रॉपर बन के मिलने वाला है। कंप्लीट डार्क में है इसका, टाटा का लोगो भी जो है डार्क में इसमें दे दिया गया है, जिससे ये रिप्रेजेंट करती है डार्क एडिशन को। आपको मैंने इसका जो है DRL जला के दिखा ही दिया है, ये आपका इंडिकेटर में वर्क करेगा, ये वाला DRL जलता रहेगा तो ये इंडिकेटर अगर आप दोगे तो ये इंडिकेटर में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा कंप्लीट जो है ओपन आपको मिलता है यहाँ पे इसका फ्रंट अपर ग्रिल, और ये लोअर ग्रिल भी जो है काफ़ी हद तक जो है ओपन मिलता है। उसके अलावा एडास का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है इसमें, इसके ऊपर आप जाओगे तो एडास आपको मिलता है, 4 वेरियंट मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसमें 19 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है डार्क कलर में, वो मशीन का टेलॉय व्हील टाइप तो नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट डार्क में आपको मिलता है 19 इंचेस का इसमें आपको व्हील मिल जाता है, जो कि इसमें आपको कंप्लीट एक, और यहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट चारों में आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही एक चीज़ है। ये है डार्क एडिशन, हैशटैग डार्क एक ट्रेंड चला था भाई, और हैरियर की यहाँ नीचे स्प्लिट में ब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा ORVM में टर्न इंडिकेटर काली कलर में ही है, बॉडी कलर में ही है, और यहाँ पे आपको लेन वॉच कैमरा की प्लेसिंग की गई है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल मिलता है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में आपको दिया गया है,
यहाँ अगर आप देखोगे तो रूफ रेल भी आपको डाक में ही मिलता है, कंप्लीट जो है डाक में है, ए टू जेड आपको जो है डाक में मिलेगी। फ्यूल टैंक 50 लीटर की कैपेसिटी है, डीजल इंजन इसमें आपको मिलता है जो कि दिखा हुआ ही है। उसके अलावा अगर बात करें तो क्वार्टर पैनल आपको छोटा सा यहाँ पे मिलता है, एरिया इतना ही है लेकिन ये कंप्लीट क्वार्टर पैनल यहाँ से लेके एंड तक यहाँ तक आती है, लेकिन ये इतना सा एरिया आपको दिया गया है ताकि आप जो है पीछे बैठने के बाद जो है थोड़ा बहुत जो है आप ऐसे ही टाइम पास कर सकते हो। डिक्की में अगर किसी को सेट कर दिया तो वो कम से कम बैठ के देखेगा। उसके अलावा अगर बात करें इसके पीछे के प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आपको वही हैरियर का यहाँ पे स्प्लिट में मिलता है। रियर प्रोफाइल में आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है जो कि मैं आपको एक बार जला के दिखा देता हूँ। कनेक्टेड जो है आपको LED टेल लैंप मिल गया यहाँ पे, बंद कर दो इसे। लायन एंड लायनेस, सॉरी लायन नहीं है इसमें, लायन लगता है कहीं छुट्टी पे गए हैं, सिर्फ लायनेस और उसके दो कब आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है वाइपर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिफॉगर और यहाँ पे आपको जेट स्प्रे वॉशर जो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, पीछे का इसका स्पॉइलर काफ़ी शार्प एज आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे है। उसके अलावा रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे भी डायनामिक गाइडलाइन के साथ में, और ये भी आपको डार्क कलर में आपको देखने को मिलेगा इसका टाटा का लोगो। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर पीछे भी मिल जाता है। इसके पीछे का जो डिफ्यूज़र है वो काफ़ी हाइट पे है और ऐसा कुछ जो है शार्प डिफ्यूज़र नहीं है, काफ़ी स्मूथ सा आपको डिफ्यूज़र देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। और ये ग्लॉसी फिनिश में है, मैट फिनिश में नहीं है, इसके ये वाले पार्ट जो है मैट फिनिश में है और नीचे अगर देखोगे तो ग्लॉसी फिनिश में आ जाता है। टेल लैम्प कंप्लीट जो है LED में है और यहाँ भी आपको जो है देखने को LED नहीं मिलता यार, यहाँ पे जो है आपको रिवर्स लैम्प जो है आपको और ब्रेक लैम्प जो है दोनों आपको हैलोजन में आपको मिलता है, ये खाली हैलोजन में मिलता है, बाकी सब आपको LED में मिल जाता है। अब इसको करते हैं बूट को ओपन। हाँ, टेल गेट इज ओपन, प्लीज चेक। ये आपको अंदर जो है वॉइस भी मिल जाएगा अगर टेल गेट आप ओपन करते हो तो। काफ़ी बड़ा सा जो है बूट स्पेस मिल जाता है, एक आध वारदात तो आप आराम से जो है बंदे वंदे सेट करना आप इसमें कर सकते हो। पार्सल ट्रे भी इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा मिलता है, 445 लीटर का मैसिव बूट स्पेस है जो कि काफ़ी सही लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेयर व्हील का, अच्छा स्पेयर व्हील तो इसके इधर नीचे रहता है, आई होप सो एक एक इंच जो है कम ही होगा, अगर 19 दिया तो उसमें 18 होगा या 17 होगा, ओके देन। इसके अलावा यहाँ पे पीछे कुछ और, यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाता है और ये आपको जो है 2 kg का यहाँ पे जो है ग्रॉसरी हुक जो कि काफ़ी स्मूथ स्मार्ट तरीके से आप उसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये आपको पीछे का कंप्लीट जो है इसका बूट स्पेस देखने को मिलेगा, इस तरीके का बड़ा सा बूट स्पेस। इसको करते हैं बंद, ओए होए बंद हो जा भाई। अब चलते हैं इसके पायलट साइड, पायलट साइड आपको क्या मिलता है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो भी एक बार देख लेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का है, कंप्लीट डार्क में आपको मिलने वाला है बिकॉज ये डार्क एडिशन वेरिएंट है, यहाँ आपको देख लो डार्क में। और थोड़े से अगर इसके गौर अगर करोगे ना तो इसका अंदर का जो एरिया है वो ब्लू ब्लू में हाईलाइट होता है, तो ये कंप्लीट डार्क भी नहीं है, हल्का हल्का सा ना ब्लू वाला इसमें शेड आपको देखने को मिलेगा। विंडोज के कंट्रोल है यहाँ पे, ग्रैब के लिए, डोर ओपन करने के लिए जो कि सिल्वर क्रोम की गार्निश में है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ORVM के कंट्रोल है, लाइक आप इससे जो है फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट कंप्लीट आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर और एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा अम्ब्रेला के लिए, आप अपना छतरी वतरी जो है एडजस्ट वहाँ कर सकते हो। मैनुअल हाइट एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है इसमें, आप मैनुअली आप जो है अपने हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। कंप्लीट लेदर में आपको जो है इसका लेदर अपहोल्स्ट्री में आपको इसमें आपको सीट मिल जाता है और ये छोटे छोटे छेद दिए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, तो आई थिंक सो नहीं है, एक बार बैठने के बाद हम लोग जो है चेक करेंगे कि इसमें वेंटिलेशन है कि नहीं, होप सो होना चाहिए, अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है और नहीं है तो कोई कोई गल नहीं भाई। अब करते हैं इसे ऑन, तो भाई ऑन होने के बाद जो है कुछ इस तरीके का अंदर जो है सिचुएशन हो जाता है, फंक्शन ये हो जाता है, कंप्लीट एल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग व्हील मिलती है 10.25 यहाँ 10.25 यहाँ, जिसमें आपको भाई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वायरलेसली कनेक्शन के साथ मिलता है। एम्बियंट लाइट यहाँ मिल जा रही है, ये कंप्लीट जो है एल्यूमिनेटेड के साथ टच पैनल आपको मिलता है। ये रहे यहाँ पे AC के कंट्रोल, ये रहे टेम्परेचर के कंट्रोल, AC जो है आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक मिलती है। यहाँ पे आपको वायरलेस पैड मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे एक सॉकेट यहाँ और एक सॉकेट यहाँ, यानी दो सॉकेट आपको मिलते हैं, एक सी टाइप और एक ए टाइप मिलते हैं। ट्रैक्शन के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड,
Wet mode is activated. City drive mode activated. तीन आपको यहां मिल जाते हैं, और स्पोर्ट मोड Sport drive mode activated. और एक इकोनॉमी मोड। Economy drive mode activated. ये आपका ड्राइविंग मोड है दो, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर आप हल्के फुल्के अगर कहीं फंस भी गए ना हल्के फुल्के गड्ढे वड्ढे में, तो ये आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल जो है रफ ड्राइव रफ मोड आप करके जो है रफ मोड करके आप जो अपने व्हीकल को निकाल भी सकते हो, कोई आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग इसमें वाइपर मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, बस एडास नहीं है, तो इसके वजह से इसमें आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ऑटो पार्क आपको पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड के साथ में मिलता है, सिक्स गियर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पे आपको नॉब मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर 2:1 के रेशियो में है, मतलब दो एक बार में दो या फिर एक सिंगल आप जो है रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है लेदर अपॉलस्ट्री के साथ में, यहाँ भी आपको मिलता है, और इतना बड़ा सा स्पेस और इसमें इतने सारे पोर्ट मिले हुए हैं, आप कुछ भी इसका इस्तेमाल जो है आराम से कर सकते हो। लेदर वर्क यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, काफी सही सा लग रहा है भाई। और उसके अलावा ये आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, आहा मस्त है भाई। बियर वियर या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप अगर जो आप कंजप्शन करते हो उसके हिसाब से आप जो उससे यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छे खासे फंक्शन आपको मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, ये काफी सही है। यहाँ पे वैनिटी मिरर में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ वैनिटी मिरर नहीं है, और यहाँ वैनिटी मिरर ही नहीं दिया है भाई, क्या बात है, यहाँ भी नहीं है सनवाइजर में यहाँ, लेकिन आपको सनरूफ मिलता है। जैसे आप सनरूफ को ओपन करोगे ना, जैसे मैंने अभी ओपन करा सनरूफ को, ये कंप्लीट पीछे तक खुल जाएगा, और इसे करते हैं बंद, तो मैं आपको एक अभी चीज दिखाता हूँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी। जैसे ये कंप्लीट बंद होने दो, ये जैसे बंद होगा वैसे आप एक चीज नोटिस करना, ये जैसे बंद हुआ और ये आप देखो यहाँ पे एम्बियंट लाइट जो है हल्की हल्की आप देखो ब्लू ब्लू लाइट जो दिख रहा है ना, ये आपको लाइट जलना शुरू हो गई एम्बियंट लाइट। जैसे ओपन होता है ना एम्बियंट लाइट बंद हो जाती है, और ये ओपन हो जाता है, जैसे बंद हुआ एम्बियंट लाइट जल जाती है। उसके अलावा पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए, और ये LED में आपको जो है रीडिंग लैंप मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैनुअल जो है IRVM मिलता है, ठीक है कोई नहीं, टॉप एंड वेरियंट में आपको ऑटो डिमिंग IRVM आ जाते हैं वैसे। उसके अलावा अगर बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है लेदर रैप के साथ में, ये मैंने मिस कर दिया था, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको दिए हुए जो कि काफ़ी सही भी लग रही है। उसके अलावा सीट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, लेदर रैप के साथ है, लेदर अपॉलस्ट्री इसमें आपको मिल जाता है, और इसमें आपको 360 कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये इसका 360 व्यू कैमरा, ये बस यहाँ पे गलत कर दिया भाई, जब हैरियर डार्क कंडीशन है तो इसे डार्क में इसके इसके जो है 3D व्यू जो है डार्क में होने चाहिए थे, जो काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख लो बंदा यहाँ से गुजर रहा है तो कंप्लीट जो है शो करता है कि किस एरिया पे कवर हो रहा है इसका, ये एरिया आप देख लो, ये एरिया देख लो, साइड से सारा प्रोफाइल आपको मिलेगा, ये फ्रंट के ये प्रोफाइल, फ्रंट का ये प्रोफाइल, बाप रे बाप क्या बात है भाई साहब। और ये आपका 2D में आपका फ्रंट का एरिया है, और ये आपका साइड का इधर इधर का एरिया, और एक उधर का एरिया, वो जो ORVM पे जो है उसके जो है सिस्टम जो है कंप्लीट दिए हुए। अब चलेंगे इसके पीछे, पीछे चल के जो है देखेंगे कि पीछे आपको किस तरह की सिटिंग पोस्चर और किस तरह की कंफर्ट मिलती है, वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं ओपन, ओपन करने के बाद आपको वही आपको जैसा फ्रंट में आपको मिलता है वही आपको पीछे भी मिलता है, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है लेदर अपॉलस्ट्री। यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल, डोर ओपन के लिए, बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, ये है इसका कर्टन, क्योंकि कर्टन काफ़ी सही है, लेकिन बस सिटी में बच के रहना, बिकॉज आजकल इससे भी चलान हो रहे हैं, बट ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, कंपनी दे रही है तो कुछ सोच के ही दे रही होगी। ओके खैर, यहाँ पे जो है ग्रैब के लिए, और ये एरिया जो है कंप्लीट जो है पियानो ब्लैक में, यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट को यूज़ करके यहाँ पे एक एरिया दे दिया जिससे आप फ़ोन अपना रख सकते हो, बॉटल होल्डर यहाँ आप रख सकते हो, म्यूज़िक सिस्टम आपको JBL का इसमें आपको कंप्लीट जो है 6 म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, लाइक 4 स्पीकर 2 ट्विटर इसमें आपको प्लेस किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ इस पर अगर बैठे हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ा सा इसमें आपको सीट मिलता है भाई, जो कि काफ़ी सही लगेगी,
और लगभग 80% से प्लस जो है मेरा थाई सपोर्ट कर लिया, और लेग रूम तो इतना है कि आदमी बंदा आराम से सो सकता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो फोन रखने के लिए ये स्पेस दे दिया, और ये क्या है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का ए टाइप और 5 वोल्ट 3 एम्पियर का सी टाइप आपको मिल जाता है। तो आप इजीली अपने फ़ोन को भी आराम से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसका एसी वेंट दिया हुआ है, आप एसी वेंट यहाँ का आपको दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ से हवा खा सकते हो। जो बीच में बैठेगा उसके लिए सेंटर से आपको थोड़ा बहुत हवा आ जाएगा, बस खाली रिक्वेस्ट करना होगा भाई थोड़ा सा भाई पीछे कर दे भाई ब्लोअर। उसके अलावा यहाँ पे एलईडी में आपको रीडिंग लैम्प, और ये एरिया जो है सॉफ्ट क्लोज के साथ ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे टोइंग हुक, यहाँ भी टोइंग हुक और ग्रैब हैंडल इसका काफ़ी सॉफ्ट सा क्लोजिंग के साथ। हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट जो है आपको एडजस्टेबल मिलता है, एक दो दोनों आपको जो है पीछे का एडजस्टेबल, ये भी आपको दोनों जो है एडजस्टेबल मिलता है। उसके अलावा आर्मरेस्ट अगर देखेंगे तो आर्मरेस्ट में दो कप होल्डर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही बात है। और अगर आप भी एक कार यूज़र हैं और आपके पास भी हैरियर या कोई भी गाड़ी है, इस तरह की गलतियां जो है आप अवॉइड करने से बचें, इस तरह की गलती आप ना ही करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको सीट बेल्ट, बैठे हो आप पीछे तो आपको सीट बेल्ट लगाना ही होगा, और मैं भी बैठता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ चाहे आगे बैठूँ चाहे पीछे बैठूँ सीट बेल्ट लगा के ही बैठूँ, मुझको थोड़ा सा सेफ फील होता है। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन का, जो कि काफ़ी सही और काफ़ी वैल्यू के साथ ये व्हीकल आ जाती है, और प्राइस ज़्यादा भी जो है डिफर नहीं करता है, 25 लाख 26 लाख के अंदर, 25.5 लाख के, 25.89 आसपास इसकी है, तो समझो 26 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस हो जाती है छत्तीसगढ़ कोरबा में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके जो इंक्वायरी कर सकते हो कुछ अगर पूछना हो तो। और अगर कोई प्लान कर रहा है व्हीकल लेने की, सफारी का डार्क एडिशन कोई लेना है, या सफारी हैरियर, या फिर उसका डार्क एडिशन लेना है, कोई भी लेना है, तो अब ये उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, उनसे उनको हेल्प भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है उनको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।